मंगलवार को टीआई ब्रजेंद्र मस्कोल ने बताया कि सूर्य प्रताप राजपूत कल 20 फरवरी को कहीं बाहर गए थे। आज मंगलवार को जब उन्होंने वापस आकर देखा तो उनके कमरे का ताला तो लगा हुआ था, लेकिन उनकी अलमीरा का लॉक, साथ ही अलमारी का सामान बिखरा हुआ था और सोने चांदी के जेवरात व नकदी गायब थे। हम आपको बता दें कि मूल रूप से महलुआ चौराहे के रहने वाले सूर्य प्रताप राजपूत वार्ड नंबर 8 में अवनीश वाजपेयी के मकान में किराए से रहते हैं। जिस मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया उसमें और भी किराएदार भी रहते हैं, और जिस रात में सूर्य प्रताप राजपूत के कमरे में चोरी हुई उस रात सूर्य प्रताप पत्नी के साथ देवपुर घूमने गए हुए थे। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध सोने चांदी के जेवरात और 70,000 रुपए नकदी समेत करीब 1,00,000 चोरी करने का मामला दर्ज किया है और घटना स्थल पर डाक स्क्वाड की मदद से साक्ष्य इकट्ठे कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। सर, वार्ड नंबर 8 में क्या घटना हुई है आज? फरियादी सूर्य प्रताप राजपूत द्वारा बताया गया कि वो कल दिनांक को 20 तारीख के 10 बजे कहीं पे रास्ते में कहीं पे बाहर गए थे। फिर वहाँ से उसके बाद जब वो आज सुबह आके देखते हैं, 10 बजे सुबह आए, उनके द्वारा देखा गया कि घर का ताला तो लगा हुआ है परंतु अंदर से उनकी अलमारी का जो लॉक है वो टूटा हुआ है और उसमें से कुछ अस्त व्यस्त है सामान, और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो उनने रकम रखी थी वो भी उनको नहीं दिखी है। सोने चांदी की रकम भी थी और नकदी भी रकम थी तो वो नहीं मिला, तो उस संबंध में उन्होंने शिकायत करी थी जिस पे थाने पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसकी विवेचना चल रही है। क्या क्या सामान चोरी में गया है? इसमें सोने चांदी के जेवरात हैं, कंगन बता रहे हैं और नकदी भी बता रहे हैं 80-90 हज़ार। कुल कितने चोरी हुई है, कितने लाख की? कुल 1,00,000 करीबन की बता रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।